खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लाल बहादुर एयरपोर्ट पहुंचकर यूक्रेन से वापस अपने घर पूर्वांचल लौटे 18 छात्रों से की मुलाकात। उन्होंने 15 मिनट की इस मुलाकात में उन्होंने सभी बच्चों को भरोसा दिलाया कि 10 साल के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे आप सभी को देश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने सभी बच्चों से हाथ मिलाकर उनके सकुशल स्वदेश लौटने पर बधाई दी और ईश्वर से उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उनका हौसला बढ़ाया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। रूस द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमले को लेकर ललितपुर के उत्कर्ष चौबे का ललितपुर में परिजन कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। हम आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे ललितपुर जिले के छात्र उत्कर्ष चौबे सुरक्षित हंगरी बॉर्डर बूढ़ा पोस्ट पहुंच चुके हैं और बुधवार को शाम 4 बजे उनकी फ्लाइट इंडिया के लिए रजिस्टर्ड भी हो गई है। अब उसे फ्लाइट कितने बजे मिलती है ये अभी तय नहीं हुआ है। इधर उत्कर्ष चौबे के परिजनों ने राहत की सांस ली है। वहीं ललितपुर प्रशासन लगातार छात्र से संपर्क में है। बुधवार की शाम 4 बजे छात्र द्वारा ललितपुर जिला प्रशासन को फ्लाइट रजिस्टर्ड होने की जानकारी दी गई। छात्र उत्कर्ष चौबे ने बताया कि उसे फ्लाइट कब मिलेगी ये उसे नहीं पता है। हम आपको बता दें कि ललितपुर जिले के मोहल्ला चौबियाना निवासी भाजपा नेता डॉक्टर दीपक चौबे का पुत्र उत्कर्ष चौबे यूक्रेन। धन्यवाद तो सर्वप्रथम ललितपुर लाइव टीवी का और सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज से करीब 4-4.5 वर्ष पहले हमारा बच्चा मेडिकल की शिक्षा के लिए यूक्रेन गया था। वर्तमान में यूक्रेन में जो परिस्थितियां हैं बड़ी टिपिकल परिस्थितियां थी क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर जो युद्ध छेड़ा उसकी वजह से खारकीव और कीव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ और कीव के पास ही हमारा बेटा वहाँ पर रहता था और वहीं की मेडिकल यूनिवर्सिटी में अध्ययन रहता था। उस समय जो विषम परिस्थितियाँ हुई तो उनके लिए हम लोगों ने 26 को अपनी एक जो फ्लाइट की बुकिंग कर दी गई थी जिसमें भारत में आना था उनके लिए, बट लेकिन युद्ध छिड़ने के कारण उस समय वो नहीं निकल पाया और वो फ्लाइट भी जो थी वो कैंसिल हो गई थी। अभी वर्तमान में अभी परसों करीब 8:30 बजे यूक्रेन के समय के हिसाब से अपने दोस्तों के साथ वो लोग अपना वहाँ पर एक बस करके और उस पर इंडियन फ्लैग लगा के हंगरी बॉर्डर पर वो लोग सब साकुशल पहुँचे। हंगरी बॉर्डर से फिर उनके लिए ट्रेन के माध्यम से जो उनकी राजधानी है बुडापेस्ट हंगरी की वहाँ पर साकुशल पहुँच गए हैं बच्चे सब लोग और वहाँ पर एम्बेसी की तरफ से उन लोग को एक जगह प्रोवाइड की गई है वहाँ पर रुकने के लिए और वहाँ पर सब बच्चे वहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था हो चुकी है क्योंकि अभी तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यूक्रेन में ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो लोग बिस्किट और चॉकलेट के माध्यम से उन्होंने करीब 5-6 दिन का समय निकाला। अब लेकिन वहाँ पर सब व्यवस्था हो गई है। अब भारत सरकार से मैं भी ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द, क्योंकि कल वो पहुँच चुके थे आज दूसरा दिन उनके लिए हंगरी में है लेकिन सेफ है वहाँ पर। अभी भारत सरकार से अपील ये है कि उन्हें जल्दी से जल्दी एविकुएट करके और भारत दिल्ली आ जाएं जिससे कि और भी जिस तरह की जो चिंताएं हमारे परिवार के लिए हैं वो भी हो जाएं। और मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि समय समय पर पूरी हमारी जो प्रदेश और केंद्र की जो पूरा जो तंत्र था उसने पूरा सहयोग भी कर रहा है और हमारे ललितपुर के साथी और हमारे जो पत्रकार बंधु उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया है इसमें, हमारे मनोबल बढ़ाने में, हमारे परिवार का भी मनोबल बढ़ा रहे हैं जिससे कि समय समय पर जब यदि कहीं किसी तरह की जो बीच में भी जो परिस्थितियाँ आनी थी उससे उबरने का पूरा पूरा हम लोग के लिए एक आप लोगों के जो आप लोगों ने जो धैर्य बताया, आप लोगों का जो सभी लोगों का एक जो मानसिक रूप से जो सहयोग रहा है उससे हम लोग को शक्ति मिली है। अब प्रभु से बस यही कामना है कि जल्द से जल्द वो हंगरी से भारत आ जाएं। जब प्रार्थना यही है प्रभु से कि जल्दी जल्दी वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आ जाएं और जैसी सूचना मिलेगी हमारे लिए कि इस फ्लाइट से वो लोग वहाँ से
एविकेट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ दिल्ली जाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, या हमारा बेटा जो दूसरा जो शिमला में है IHM में, वो वहाँ जाके उनके लिए वहाँ पे रिसीव करेगा, और फिर हम यहाँ पे बाई ट्रेन या जो भी हम देखते हैं जो भी व्यवस्था होती है उस माध्यम से हम ललितपुर उसके लिए बुलाएंगे। ललितपुर जिले के रघुवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय के 41वें वार्षिक क्रीड़ा एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2021 से 2022 का उद्घाटन रघुवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर केशव देव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर मनीष कुमार वर्मा द्वारा बैज अलंकरण, अनुराधा सिंह द्वारा बुके भेंट करके तथा क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर रितेश कुमार खरे द्वारा माल्यार्पण करके सम्मानित किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर केशव देव ने छात्र छात्राओं को नियमित शिक्षा के साथ ही अन्य शिक्षणेतर गतिविधियों में भी उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि खेलकूद से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार के साथ राखी कुशवाहा की रिपोर्ट। ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के तालापुरा इलाके से साइकिल से घूमने निकले 13 वर्षीय कक्षा 8 का छात्र अचानक हुआ लापता। लापता छात्र की साइकिल शहर के आजादपुरा रोड स्थित पारसनाथ कॉलोनी से हुई बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर लापता छात्र की खोजबीन शुरू की और बहुत जल्द छात्र को बरामद करने के लिए परिजनों को आश्वासन दिया। तो वही लापता छात्र के परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से जल्द बच्चे की बरामदगी की लगाई गुहार। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर में जय अम्बे रक्तदान समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है। आज उसी क्रम के चलते जय अम्बे रक्तदान समिति के 5 सदस्यों ने किया रक्तदान, जिसमें संजय जैन ने 51वीं बार, जय अम्बे रक्तदान समिति के प्रमुख सदस्य आशीष गोस्वामी ने 41वीं बार, दीप्ति जैन जी, दीपक वैद्य ने 13वीं बार और कमल पटेल ने पहली बार किया। अत्यंत आवश्यक परिवारों के सदस्यों के लिए अपना बहुमूल्य ब्लड रक्तदान सभी जरूरतमंदों के परिजनों ने पूरी जय अम्बे रक्तदान समिति का आभार प्रकट किया एवं दीप्ति जैन जी द्वारा पहली बार रक्तदान करने पर समिति के अध्यक्ष ने उनका बहुत आभार प्रकट किया और कहा कि रक्तदान के लिए महिलाओं को भी आगे आना चाहिए एवं महिलाओं को भी रक्तदान करने के लिए जागरूक करना चाहिए, जिससे समय समय पर जरूरत पड़ने पर महिलाएं भी रक्तदान कर सके। दीप्ति जैन ने रक्तदान करने के बाद कहा कि महिलाओं को भी रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए और दूसरी महिलाओं को भी रक्तदान करने के लिए जागरूक करना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा रक्तदान करने से हम किसी की जान बचा सकते हैं। इस दुनिया में रक्तदान से बढ़कर और कोई महादान नहीं है, इसलिए रक्तदान अवश्य करें। इस मौके पर जय अम्बे रक्तदान समिति अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल युवा नगर अध्यक्ष दीपक राठौर, प्रमुख सदस्य चंदन सिंह अहिरवार, SB सलमान, गोविंद चौबे, जितेंद्र राठौर, शैलेंद्र यादव, जे आवन, राजेंद्र दुबे, दीपेश राजा और रेखा व्यास मौजूद रहे। ललितपुर जिले की तहसील तालबेट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कड़ेसरा कला में बेतवा नदी किनारे स्थित पहाड़ी पर दबंगों द्वारा अवैध खनन कर ग्राम सभा की जमीन खोदकर मिट्टी का अवैध खनन दिन और रात बड़े व्यापक स्तर पर किया जा रहा है, जिसे कोई रोकने वाला नहीं है और ये भी नहीं हो सकता कि शासन प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं हो। शासन प्रशासन जानबूझकर आंखें मूंदकर ये सब नजारा देख रहा है और सफेदपोश अवैध खनन माफिया इस अवैध खनन की काले कारोबारों को अंजाम दे रहे हैं और प्रशासन मौन बना हुआ है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। आप सभी को बताते चलें कि आप लोगों ने पत्नी को परेशान करते हुए पति को तो खूब देखा होगा और खूब सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने के साथ साथ दिखाने जा रहे हैं कि एक पति की दुबारी दास्तान, जिसे सुनकर और देखकर आप भी चकित रह जाएंगे। ये मामला ललितपुर जिले के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती पुलिस चौकी अंतर्गत नई बस्ती सिविल लाइन इलाके का है, जहाँ के निवासी दुर्गा प्रसाद ने ललितपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक महोदय को एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें उसने बताया कि वह अपनी पत्नी नीलू से परेशान हो चुका है और वह न्याय चाहता है। इसके बाद वह मीडिया को रोककर अपनी दास्तान सुनाते हुए बताता है कि उसकी पत्नी से आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं एवं मायके वालों से मरवाने तक की उसकी पत्नी धमकी देती रहती है और कहती है कि अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है और ये मकान तुम बेच दो, जिसको लेकर आए दिन हमसे लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाती है तथा मारपीट तक कर देती है। ऐसे में हम अपने छोटे से बच्चे को लेकर आखिर जाए तो कहाँ जाए, इसलिए आज पुलिस अधीक्षक के दरबार में आकर मदद की गुहार लगाने आए हैं कि सरकार मुझे मेरी बीवी से बचाओ और हमें न्याय दिलाओ, क्योंकि उसकी बीवी उसे आए दिन फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देती है तथा जान से मारने की धमकी देती है। सुनिए पीड़ित पति की कहानी उसी की जुबानी। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। मैं नहीं जागने हमें जेब देश में है वो हमें बेच नहीं देना साहब, हमारी एक मोड़ा हम अपनी मोड़ा को पूरी जायदाद। कौन प्रताड़ित कर रहा है आपको? घर वाली बात। क्या नाम है? नीलू। आप कहाँ से आए? नई बस्ती से। क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद।
क्या मामला हो गया, क्या पत्नी से? दोनों में अभी की लड़ाई है साहब, कठी भी ऐसी नहीं है, इतने में समझ लेते, लेकिन बात अब तो बिल्कुल नहीं कर रही कभी, तो हमने एप्लीकेशन नहीं कहा, मैं लता नहीं हुई। क्या कह रही पत्नी अभी, मारपीट की? वो क्या कह रही कि हमें तुम्हें रखना नहीं है, हम तो अपनी बेच बात के लिए, लेकिन साहब हम आइए एक मोड़ा, हम मोड़ा की जायदाद नहीं बेचनी है, सीधी है। क्या चाहते हैं आप? हम सिर्फ हम अपनी औलाद को चाहते हैं।